इंसान के अपने पास जो कुछ है उसकी कदर नहीं करता, मन को हमेशा दूर से आने वाले ढोल सुहाने लगते हैं। ऐसे ही समीर है जो गांव की ताज़ा हवा और शांति छोड़कर शहर में बसना चाहता है, मिट्टी की खुशबू से दूर रहना चाहता है और शहर का धुआं खाना चाहता है। मजबूरी और जिम्मेदारी सब कुछ कराती है, लेकिन समीर को ऐसा कोई आवश्यकता नहीं थी। घर छोड़ते समय पिताजी ने बताया कि गांव में हमारे पास पर्याप्त भोजन है, भगवान की कृपा इतना कर सकती है। फिर क्योंकि तुम हमारा एकमात्र बच्चा हो, हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ रहो, लेकिन समीर विश्वास करने को तैयार नहीं था। समीर हालांकि इसे मानने को तैयार नहीं था। पिताजी को बताया कि मैं यहाँ रहना नहीं चाहता क्योंकि आपने पूरी ज़िंदगी यहाँ बिता दी। पिता ने कहा कि तू जो कुछ हमने कमाया है वह तुम्हारे लिए, फिर तुम घर और जानवरों को छोड़कर वहाँ एक छोटी सी नौकरी करना चाहते हो। एक बार पितु सर पर सवार होने के बाद कहा उतरता है। बच्चे ये भूल जाते हैं कि माता पिता की बातें सिर्फ शब्द नहीं है बल्कि उनके जीवन का अनुभव भी है। समीर ने इनकार करते हुए कहा, अब पहले जैसा जमाना नहीं है, आप लोग इतना क्यों सोच रहे हो? मोबाइल है और वीडियो कॉल भी है, मैं हर दिन आपको दूर बैठे दिखाई दूंगा। समीर ने इनकार कर दिया और शहर में एक छोटी सी सरकारी नौकरी करने लगा। 8 से 10 घंटे काम करने पर उसे 15,000 रुपये मिलते थे। माता पिता को बताया गया था कि वह काम करने लगा था। पिताजी ने फिर कहा, बेटा हमें तुम्हारी याद आती है तो घर आ जाओ। समीर ने कहा, मैं शहर में रहना चाहता हूँ। समीर की माँ भी परेशान थी, लेकिन उसके पिता ने उनसे कहा कि उसे अपनी मन की बात करने दो, वह कुछ दिनों में वापस आ जाएगा और हमारे अनुभव से चलेगा। उसे अपने अनुभव की तैयारी करने देना चाहिए। घर में जहाँ मैं अपनी मर्जी से काम करता था उसे किसी का भी नहीं सुनना पड़ा। 2 महीने तक उसने प्रयास किया, लेकिन फिर समीर को कुछ अधिक काम करना पड़ा। प्राइवेट नौकरी में समय नहीं था, घर पर बात करना कम होने लगा। जब उसने अपने घर पर फोन करीब 4 दिन बाद उठाया, उसके पिता ने कहा कि उसके बेटे को फोन पर बात करने का समय नहीं था। पिताजी ने कहा कि 3 दिन पहले तुम्हारी माँ का पैर टूट गया। समीर ने कहा, माँ अब ठीक है? पिताजी ने कहा, प्लास्टर चढ़ाया। समीर ने कहा कि पापा मुझे अभी छुट्टी नहीं मिल सकती, इसलिए आप वीडियो कॉल पे से बात करवा दें। गांव में ठीक से नेटवर्क नहीं होने के कारण वीडियो कॉल कभी कभी रुकता है, कभी कभी दिखाई देता है। आँखें भर आई ये कहानी सुनकर।